प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए भजन संहिता 119 का 105 जरा खोल लीजिए। वैसे एकदम से बाइबल आपके पास ना हो तो परेशान ना हो, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। भजन 119 का 105 कहता है, तेरा वचन हे प्रभु, आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये एक ऐसा पद है जो हमारे बच्चों को जब वो 3 साल के होते हैं तब से याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि ये मसीही जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद है। आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पिछले कई दिनों संदेशों के दौरान कई भाई बहनों ने मेरे पास संदेश भेजा प्राइवेटली, और कई लोगों ने जो संदेश है या जो अध्ययन है उसके बाद सीधे सीधे मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क किया और बोला कि प्रभु के वचन का अध्ययन किस तरह से करना है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा। बार बार मैं ये बात याद दिलाता रहता हूँ कि प्रभु के वचन का अध्ययन हम में से हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो मुझे भी लगा कि जब इतने सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रभु के वचन का अध्ययन कैसे करें, तो उस विषय को जरा विस्तार से हम देखें। मेरे स्वयं के जीवन में कई लोगों ने इस विषय में मुझे काफी मार्गदर्शन दिया था, खासकर जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, जब मैं प्रभु के प्रति बहुत अधिक समर्पण में आ गया था, तब कई लोगों ने मदद की थी। उसी तरह से आज मेरा अनुमान है कि हम सबके लिए ये उपयोगी होगा। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले हमें अपने आप से कई प्रश्न पूछना जरूरी है। पहला प्रश्न ये है कि पवित्र बाइबल क्या है? पवित्र बाइबल क्या है? इसका उत्तर पवित्र बाइबल में ही 50ों जगह दिया हुआ है, जिनमें से सिर्फ एक मैं आपके ध्यान में आज लाना चाहता था, और वो है भजन 119 के 105 की, पवित्र बाइबल मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज जो लोग प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, इनमें से कई सारे ऐसे भाई और बहन लोग हैं जिन्होंने या तो अपना बचपन गांव में बिताया है, जो अभी भी गांव में रहते हैं। अब तो गांव में बिजली आ गई है, लेकिन इसके बावजूद गांव के जो हर रास्ते और हर पगडंडी है, वहां पे रात को रोशनी नहीं होती है। मेरा अपना गांव, खासकर जब मैं अपनी माँ के घर जाता था, तो वहां इतना अंधेरा रहता था, इतना अंधेरा रहता था कि अंधेरे को भी शर्म आ जाए। और जिस जमाने में मैं उन रास्तों पर जाता था, उस जमाने में टॉर्च वगैरह आज के समान सुलभ नहीं थे, और उस तरह का अंधकार हमारे जीवन में। मैं और आप जब संसार में जीवन बिताते हैं, वैसा ही अंधकार हमारे चारों तरफ है।
एक टॉर्च मिल जाए, या एक दिया बत्ती मिल जाए, या एक मोमबत्ती मिल जाए, तो कितना फर्क पड़ता है। उसी तरह से जब हम इस संसार के अंधकार में भटक रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तब हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाले के रूप में प्रभु का वचन आता है, मतलब हमको सही रास्ता दिखाता है। तो प्रभु का वचन क्या है? इसका पहला जवाब तो यह है कि संसार के अंधकार में भटके बिना जाते आते समय कहीं सांप के ऊपर पैर ना पड़ जाए। मैं जिस गांव की बात कर रहा था, वहां तो अक्सर लोग सांप पे पैर रख देते थे और सांप काट लेता था या डस लेता था। जो सुन रहे हैं इनमें से कई लोग इस बात को जानते हैं। पैर को हमें रोशनी चाहिए जिससे कि ठेस ना लगे, जिससे कि हम जहरीले जानवरों से बचे रह सके। पवित्र बाइबल क्या है प्रश्न का एक उत्तर यह है कि अंधकार में जब हम जाते हैं तब हमको रास्ता दिखाने के लिए रोशनी है, जिससे कि हम जहरीले जानवरों पर पैर न रखें और पत्थर से ठेस ना लगे। आप कहेंगे ठीक है, मान लिया, लेकिन सवाल यह है कि बाइबल क्यों पढ़ें? ये एक अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब हमें प्रभु के वचन से ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इनमें से बहुत सारी चीजें काफी विस्तार से देखने की हैं, जिनको आज तो विस्तार से नहीं देखेंगे, लेकिन मैं एक परिचय देना चाहता हूं। एक बात बताइए, आपके पिता ने, मान लीजिए, आपको एक विशाल बिल्डिंग प्रेजेंट किया है, बेटा अब आजीवनांत तुम इस अति विशाल भवन में निवास करोगे, बस एक बात है, इस भवन में 10,000 कमरे हैं, तुम्हारे पास नक्शा नहीं है, और मकान का निर्माण भूल भुलैया के समान हुआ है। इस भूल भुलैया में किसी एक जगह तुम्हारा भोजन है, किसी और जगह तुम्हारे वस्त्र हैं, तीसरे किसी और जगह बैठक है, कहीं और तुम्हारी किताबें हैं, कहीं और सोने का कमरा है। 10,000 यदि कमरे हों तो जरा बताइए किसी व्यक्ति की क्या हालत होगी। मैंने जो भूल भुलैया देखे हैं उनमें मुश्किल से शायद 30 या 40 कमरे रहे होंगे, लेकिन एक बार उसके अंदर आप फंस गए तो आपको लग रहा है कि रास्ता मुझे मालूम हो गया, लेकिन आप किसी भी हालत में उससे बाहर नहीं निकल सकते। उस भूल भुलैया में जाने से पहले गाइड ने मुझे बता दिया था कि देखिए सर, जो इसमें फंसा वो वहां रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, और जब हम उसकी आवाज सुनते हैं तो जाके उसको बचा के बाहर ले आते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इस भूल भुलैया से कैसे निकलना है। गाइड ने बात बताई, इसलिए मैं आराम से उसके अंदर गया, वापस आ गया। मैं ऐसे भूल भुलैया की बात बोल रहा हूँ जिसमें 20 से 30 कमरे थे, लेकिन एक भूल भुलैया जिसमें 10,000 कमरे हो, उसमें एक व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? जब तक कोई गाइड रास्ता ना बताए तब तक हम उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। मेरा आपका जीवन 10,000 कमरों का एक भूल भुलैया है। 10,000 कमरों का मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि मेरे आपके जीवन में प्रभु हमको इस संसार में जीने के लिए जो दिन देते हैं, लगभग एक अनुमान से मैंने 10,000 बताया। हर दिन, हर नया दिन एक नई आशा लेके आता है, लेकिन इसके साथ साथ नए सवाल, नए प्रश्न और नई समस्याएं लेकर आता है। उस भूल भुलैये से बाहर निकलने के लिए प्रभु ने
अपनी तरफ से एक मार्गदर्शक, एक गाइड बनाया है, और वो है प्रभु का वचन। इस कारण जब हम ये पूछते हैं कि बाइबल क्यों पढ़ें, तो उसका जवाब यह है कि दुनिया का ये जो भूल भुलैया है जिसमें जीने के लिए प्रभु ने हमसे कहा है, उस भूल भुलैया में सही दिशा में जाने के लिए, और प्रभु ने हमें संपत्ति के रूप में जो आलीशान 10,000 कमरों का जो मकान दिया है उसका सही उपयोग करने के लिए ये जरूरी है कि रास्ता मालूम हो। रास्ता कैसे मालूम होगा? जिस तरह से 20-25 कमरों वाले भूल भुलैया में एक गाइड ने मेरी मदद की थी, उसी तरह से जीवन के 10,000 कमरों वाला ये जो भूल भुलैया है इसमें सही दिशा पाने के लिए प्रभु ने हमको एक गाइड दिया है, लिखित में गाइड दिया है, वो है प्रभु का वचन। और इस कारण क्यों पढ़े? इसलिए कि प्रभु ने हमको जो संपत्ति दी है उसका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, समय पर भोजन, समय पर वस्त्र, समय पर विश्राम, आलंकारिक रूप से कहा जाए तो, और यदि अक्षरशः कहा जाए तो जीवन में हर स्टेज पर कहा जाना है, क्या करना है, किस जगह होना चाहिए, किस जगह नहीं होना चाहिए, इन बातों को समझने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। जिस प्रभु ने ये अति विशाल भवन बनाया है, उस प्रभु ने उस भवन का, मतलब मेरे आपके जीवन का एक बहुत बड़ा नक्शा, एक बहुत बड़ी निर्देशिका, एक बहुत बड़ा गाइड लिखित रूप में मुझे और आपको दे दिया है, वो है पवित्र बाइबल। और इसलिए यदि मैं और आप चाहते हैं कि हमारा जीवन सही दिशा में जाए और सही रीति से हम प्रभु ने हमको जो दिया है उसका उपयोग कर सके, तो बाइबल नियमित रूप से पढ़ना जरूरी है। जब मैं इतना बोलता हूं तो कई लोग ये पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन सवाल यह है बाइबल तो बहुत भारी ग्रंथ है, ऐसी पेड़ मीटिंग है, कौन इसको पढ़ सकता है, इतने भयानक, इतने विशाल काय ग्रंथ को कौन पढ़ सकता है, और इसलिए इसमें से कितना पढ़ें? इसका उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं, जिस अति विशाल संपत्ति के अंदर प्रभु ने आपको रखा है उसमें जो 10,000 कमरे हैं वो प्रभु ने इसलिए रखा है कि आप उसका उपयोग कर सके। उसका हर कमरा आपके लिए उपयोगी है, हर कमरे में प्रवेश करना आपके लिए जरूरी है, मतलब अक्षरशः कहा जाए तो मुझे और आपको प्रभु ने जीवन में जितने दिन दिए हैं इनमें से हर दिन प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए उसका उपयोग करना जरूरी है। और यदि उसका उपयोग करना जरूरी है तो ये भी जरूरी है कि वो जो नक्शा जो हमको दिशा देता है उस नक्शे को देखें। और इसलिए प्रभु के बाइबल का कितना हिस्सा पढ़ें, यदि कोई ये प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर यह है कि बाइबल का हर हिस्सा, कोने से कोना, कवर से लेकर कवर तक हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, पढ़ना जरूरी है। और यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो वो जो आपको प्रभु ने जो अट्टालिका दी है, जो महान भवन दिया है, जीवन में जो हजारों दिन दिए हैं, इन दिनों का सही उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन दिनों का मतलब आप या मैं नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इतना जब मैं बोल देता हूं तो अगला प्रश्न आता है कि कब पढ़ें? ये एक अच्छा प्रश्न है। उसका उत्तर यह है कि ये मनुष्य का वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है। प्रभु ने हमको जीवन में सही दिशा देने के लिए बनाया है, इसलिए सर्वोत्तम बात तो ये होगी कि प्रभु ने जब हमको एक नया दिन दिया या जब प्रभु हमको एक नया दिन देते हैं तो उस
दिन में प्रवेश करने के पहले रास्ता देख लिया जाए। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति ऐसा करता है क्या कि कहीं जाना है, मान लीजिए किसी मीटिंग के लिए आपको बुलाया गया है या किसी पार्टी के लिए बुलाया गया है, आप गाड़ी लेके जिस दिशा में आपको लग रहा है कि जाना है, मतलब नाक की सीध में चल दिए, 8-10 किलोमीटर चलने के बाद अरे हाँ ओ हो कहाँ जाना था, जरा देख लेते हैं, ऐसा करते हैं क्या हम? जी नहीं। हमें यदि कहीं किसी मीटिंग को अटेंड करना है या किसी कोई पार्टी अटेंड करनी है तो पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ पे पार्टी अटेंड करनी है, कहाँ पर मीटिंग अटेंड करना है, और यदि हमें नहीं मालूम है तो पहले से हम देख लेते हैं कि वो जगह कहाँ है, उसके लिए रास्ता क्या है। जवान लोग जो स्मार्टफोन के उपयोग में बहुत दक्ष हैं, वो लोग तो गूगल मैप पे देख लेते हैं कि भाई किस रास्ते से जाना है, कितना किलोमीटर कितने किलोमीटर की दूरी होगी और लगभग कितना समय लगेगा। जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो मनमानी दिशा में या नाक की सीध में जाकर 8-10 किलोमीटर जाने के बाद पलट कर ये नहीं देखते कि कहाँ जाना था, बल्कि जाने से पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ जाना है और उसके बाद कम से कम समय और कम से कम सफर में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। उसी तरह से जब प्रभु हमको एक नया दिन देते हैं तो उस नए दिन में प्रवेश करने के पहले ही प्रभु के वचन को देखकर उस दिन के लिए प्रभु से दिशा प्राप्त कर लेना सर्वोत्तम होगा। हाँ, इस बात को मैं जानता हूं, हम लोग शहरी जीवन बिता रहे हैं और शहरी जीवन में सब कुछ मेरे आपके नियंत्रण में नहीं है, और चूंकि सब कुछ मेरे आपके नियंत्रण में नहीं है तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठकर प्रभु के वचन का मनन पठन और ध्यान हम ना कर पाए। अपवाद तो अपवाद है, उसको तो जाने दीजिए, लेकिन मेरे आपके लिए सर्वोत्तम ये होगा कि हम अपना टाइम टेबल कुछ इस तरह से बनाएं कि हर नए दिन में प्रवेश करने के पहले, वो दिन प्रभु के द्वारा हमको दी गई पूंजी है इस बात को समझकर, उस पूंजी के सही उपयोग के लिए रास्ता पहले देख ले। मैं मोल भाव के मामले में बहुत क्या कहना चाहिए नहीं कर पाता। बाजार गए, कोई चीज खरीदनी हो, उसको देख के मनी मन अनुमान लगाया, मुझे लगा कि ये तो 80 रुपए की चीज है, पूछा कि भैया इसका दाम क्या है, व्यापारी कहता 70 रुपए, अरे मुझे लगा 80 रुपए का माल 70 में दे रहा है, तुरंत पैसे उठा के उसको दे दिए। मेरे साथ जो जाता है वो सर पीट लेता है, ये भाई रंजीत का अच्छा अनुभव है, जब भी मैं ग्वालियर जाता हूँ तो वो हमेशा मुझे याद दिला देते हैं कि सर आपको जो खरीदना है मुझे बता दीजिए लेकिन मोल भाव मैं करूंगा। तो मुझे लगता है 80 की चीज है, वो 70 मांगता है, भाई रंजीत मुंह खोलते हैं, मुंह खोलने से पहले दुकानदार बोलता है भाई साहब आप मुंह ना खोलें, मैं आपको 30 रुपए में दे दूंगा, क्योंकि उसे मालूम है कि भाई रंजीत 10 रुपए से चालू करेंगे, तो उसको जो कीमत मिलनी चाहिए वो बोल देता है। ठीक है, तो कहां मैं दिशा नहीं जानता, इस कारण 30 रुपए की चीज 80 की मान के 70 में खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ जो जानकर आदमी है वो पहले से जानता है, पहले से पूछ पाछ के उसने तैयारी रखी है, इसलिए जिसको मैं 80 का समझता हूँ और 70 में लेने में फायदा समझता हूँ वो मुझे 30 में दिला देते हैं। कई अवसर हुए हैं, हमारे जीवन की यही स्थिति है। मुझे और आपको जब प्रभु एक दिन दान करते हैं तो उस दिन को पूंजी समझकर
उसका उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम उस पूंजी से कमा सकें, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 और कमा सकें। ये तो वही कर सकता है जो जानकार है। हमारे प्रतिदिन के जीवन के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? प्रभु के वचन के द्वारा। और इसलिए प्रभु के वचन को पढ़ने का सर्वोत्तम समय है दिन आरंभ करते समय, और इसलिए हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि दिन आरंभ करने से पहले हम प्रभु के वचन को पढ़ लें। लेकिन हाँ, कई बार नौकरी और अन्य कारणों से शहर में जो रहते हैं, कभी कभी इसमें बाधा आ जाती है। कोई बात नहीं है, बाधा तो बाधा ही है, लेकिन रोज ही बाधा ना आ जाए, मतलब इसका हम ख्याल रखें। ठीक है, इतना कहने के बाद जो है अगला प्रश्न ये आता है कि बाप रे बाप, इतनो भारी ग्रंथ आप कह रहे हैं, शुरू से आखिर तक पढ़े, ये संभव बात है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप कहेंगे कि नहीं, ब्रदर जॉनसन, इतने बड़े भारी ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ सकता है। मैं उसका एक हिसाब आपको बताता हूं। पवित्र बाइबल अपने आप में एक विशाल ग्रंथ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक्चुअली इतना इतना विशाल ग्रंथ होते हुए भी हम में से हर व्यक्ति बड़े आराम से साल में कम से कम एक बार इसे कंप्लीट कवर टू कवर पढ़ सकता है। ये सुनकर आप में से बहुतों को लगेगा कि आज शाम को तो ब्रदर जॉनसन अतिशयोक्ति पर उतर आए हैं, कुछ बड़ा चढ़ा के लंबी हाँक रहे हैं। जी, ऐसा नहीं है। यदि कोई विश्वासी प्रतिदिन सिर्फ 3 अध्याय पढ़ ले और संडे के दिन सिर्फ 5 अध्याय पढ़ ले, तो साल भर में कंप्लीट बाइबल आप पढ़ लेंगे। आप पूछेंगे कि ये किसी तरह का मजाक कर रहे हैं कि जी नहीं, मजाक नहीं कर रहा। यदि एक विश्वासी प्रतिदिन 3 अध्याय पढ़ ले, संडे के दिन 5 अध्याय पढ़ ले, तो 365 से कम दिनों में वो कंप्लीट बाइबल पढ़ के खत्म कर देगा। ये तो कोई भी कर सकता है। हम में से कितने सारे लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं? कुछ लोगों की तो आदत है कि अखबार घर पे आता है तो टाइटल से लेकर आखिरी पन्ने पर जो आखिरी लाइन है उसे पढ़ के फिर अखबार को हटा के रखते हैं, मतलब घंटे 2 घंटा पढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रतिदिन, और जो ऐसा नहीं है उस व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 3 अध्याय पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई आसमान से तारे तोड़ कर लाने जैसी मेहनत नहीं है। संडे का दिन हम में से लगभग सभी के लिए अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा सा फ्री दिन होता है। उस दिन 5 अध्याय पढ़ना जो है वो हिमालय पर चढ़ने के बराबर नहीं है। हम में से कोई भी व्यक्ति ये 3+5 का फॉर्मूला अपने जीवन में आराम से अपना सकता है। और यदि हम इस तरह से फॉर्मूला अपनाएंगे तो साल भर में कंप्लीट बाइबल आप पढ़कर खत्म कर सकते हैं। आप कहेंगे अच्छी बात बताई ब्रदर, आपने जनवरी 1 से चालू करेंगे। देखिए, हिंदी में एक कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे तो अब, परलय पल भर में परलय होगा तो बहुरी करेगा कब। मतलब जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना उसे तुरंत कर दो। पल भर में यदि प्रलय हो जाएगा तो कब तब क्या करोगे? आत्मिक जीवन में इसका जो एप्लीकेशन है वो ये है, कल पे मत छोड़ो, तुरंत स्टार्ट करो। क्यों?
आज यदि प्रभु आ जाते हैं या हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, तो मैं और आप प्रभु के सामने रखने के लिए जो 10 सिक्के और कमाना था, जो 10 चांदी के या सोने के पिंड और कमाने थे, वो कमाने से वंचित रह जाएंगे। हम प्रभु ने हमारे जीवन में जो मूलधन दिया है उसका उपयोग करने से वंचित रह जाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होगा तो बहुरी करेगा कब। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे साथी लोग इसी को एक और तरह से कहते थे, आज करे सो काल कर, काल करे तो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। मेरे साथियों में से जिन लोगों ने इस प्रिंसिपल को अपनाया, इनमें से कई लोगों ने अपने एजुकेशन को बर्बाद कर दिया। जब उनके संगी साथी फर्स्ट क्लास में पास हो रहे थे, तो संगी साथियों से ज्यादा बुद्धि होते हुए भी फेल हो गए। बार बार एग्जाम लिखा, पास नहीं हो पाए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, जब मैं आपको याद दिला रहा हूं पवित्र बाइबल में से हर दिन 3 अध्याय पढ़िए, संडे को 5 अध्याय पढ़िए, साल भर में खत्म हो जाएगा, तो ये मत सोचिए कि जनवरी 1 पे को चालू करेंगे, ऐसा नहीं है। आज, राइट, आज है वो दिन। आप कहेंगे फिर तो कैलेंडर बिगड़ जाएगा। कैलेंडर क्यों बिगड़ जाएगा? आज जुलाई 2 है, जुलाई 2 से स्टार्ट कीजिए, अगले साल जुलाई 1 के अंदर अंदर बाइबल खत्म कीजिए। ये कोई जरूरी है क्या कि जनवरी 1 से दिसंबर तक ही पढ़ा जाए? ये प्रभु का वचन है, प्रभु ने हमको हमारे जीवन में पूंजी के रूप में दिया है, और इसलिए आज ही हम स्टार्ट करें, ठीक है? तो इतना भारी ग्रंथ कोई पढ़ सकता है क्या? बिल्कुल पढ़ सकता है। प्रतिदिन 3 अध्याय, संडे को 5 अध्याय। आप कहेंगे कि और कोई तरीका है कि? जी हाँ, और भी तरीके हैं। दूसरा तरीका यह है कि बाकायदा घर आप अपने सामने घड़ी रख लीजिए, अलार्म रख लीजिए, प्रतिदिन 15 मिनट पढ़िए। विश्वास योग्यता से प्रतिदिन 15 मिनट पढ़िए, साल भर में कंप्लीट बाइबल आप पढ़ लेंगे। आप फिर पूछेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं क्या? जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। संपूर्ण बाइबल को मौखिक रूप से पढ़कर लोगों ने रिकॉर्ड किया है, और रिकॉर्ड करने पे पता चलता है कि 85 घंटे में कंप्लीट बाइबल रिकॉर्ड हो जाता है। 85 घंटे को यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 365 के आसपास की संख्या आती है, जिसका मतलब है प्रतिदिन यदि आप 15 मिनट पढ़ेंगे तो 1 साल में कंप्लीट बाइबल पढ़ लेंगे। तो इसलिए कोई भी ये ना कहे कि ये तो बहुत भारी ग्रंथ है, मैं इसको नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा, अब आप शायद अगला प्रश्न पूछेंगे, अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई, अब जरा ये और बता दीजिए कि इसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हर एक व्यक्ति के लिए तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए कॉमन कुछ बातें हैं। पहली बात, नियमित रूप से पढ़े। ऐसा नहीं कि आज बैठ के घंटे भर पढ़ लिया और कल जो है छोड़ दिया, नहीं नहीं ये गलत बात। जो लोग खेलों का अभ्यास करते हैं, जो लोग शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करते हैं, जो लोग नई नई भाषाएं सीखते हैं, वे सब लोग जो कर रहे हैं उसको नियमित रूप से करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को देखा है कि जब हम किसी बात को नियमित रूप से करते हैं तो वो हमारे हृदय की गहराइयों में जाकर बैठ जाता है। इसलिए प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए तरीके बहुत हैं, पढ़ने के तरीके बहुत हैं, लेकिन 2-3 बातें कॉमन होनी चाहिए। नंबर 1, नियमित रूप से पढ़ें। नंबर 2,
जब भी आप प्रभु का वचन पढ़ें तो कंपलसरी उसके साथ एक डायरी जरूर रखें। आप पूछेंगे कि डायरी ही जरूरी है क्या? जी नहीं, नोटबुक भी रख सकते हैं। डायरी या नोटबुक के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है। सर्वोत्तम तो यह है कि एक औसत व्यक्ति डायरी रखे या कॉपी रखे। मेरे जैसे व्यक्ति की आदत है, मैं इस तरह के बोर्ड पर लिखता चला जाता हूं। उसके पीछे कारण है, अलग अलग विषयों के ऊपर जब लिख लेता हूं तो आपस में जो संबंधित विषय है उनको एक साथ लेके क्लिप करके रख देता हूं। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए सर्वोत्तम तरीका है कि आप डायरी रखें। ठीक है, आप पूछेंगे डायरी क्यों रखें? इसका उत्तर यह है कि जब हम प्रभु के वचन को नियमित रूप से पढ़ते हैं तब प्रभु का वचन हमारे मन में काम करना शुरू करता है। धीरे धीरे हमने कल जो बातें नहीं देखी थी उसको आज देखना शुरू करते हैं। कल जो बातें हम समझ नहीं पाए थे उसको आज समझने लगते हैं। जब प्रभु के वचन से इस तरह से आपको प्रकाश मिलता है तो उसको कहीं ना कहीं नोट करके ना रखें तो कल आप भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि भूल जाए तो क्या हुआ? एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को डाकिये की नौकरी मिली हो, वो सुबह से लेकर शाम तक एक एक घर जाके डाक बांटता है, प्रतिदिन वो एड्रेस भूल जाए, प्रतिदिन वो भूल जाए कि फलाना मकान कहाँ है, फलाना मकान कहाँ है, फलाना कहाँ है, उसकी क्या स्थिति होगी? हफ्ते भर में उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? पहला लेटर उठाया फलाने बाबूजी का, पूछ पाछ के गए 8 किलोमीटर दूर, वहां पत्र दिया, अगला निकाले ये कहाँ है, तो पूछ पाछ के जहां से चालू किया था वहां वापस पहुंचे। इस तरह से कोई डाकिये का काम कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और यदि कोई इस तरह से काम करने की कोशिश करता है तो पागलपन होगा, ये हम जानते हैं। जिस तरह से डाकिया एक दिशा से लेकर दूसरी दिशा को जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन है। और इस जीवन में जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तब प्रभु के वचन से हमको जो मार्गदर्शन मिलता है, उस मार्गदर्शन को यदि हम अपनी डायरी में नोट नहीं करेंगे तो कल को भूल जाएंगे। हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो और हमारी याददाश्त कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मनोवैज्ञानिकों ने ये पहचाना है, ज्ञात किया है कि जो आज हमारे मन में आता है प्रभु के वचन को पढ़ने के बाद जो प्रकाश आज मिलता है, 15 दिन के बाद उसमें से सिर्फ 1% हमारे दिमाग में रहता है, बाकी 99% हम भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक दिन प्रभु हमको अपने वचन के द्वारा जो मार्ग निर्देश देते हैं उसको डायरी में नोट करते चले जाए। आप कहेंगे ब्रदर इसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए। यहां दो बातें समझना जरूरी है। किसी भी चीज को पॉइंट बाय पॉइंट लिखने में कोई ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। नंबर दो, हाँ यदि आप अपना मसीही जीवन फ्री फंड में बिताना चाहें, फ्री फंड से मेरा मतलब है आप ना तो प्रभु का वचन पढ़ना चाहें ना मनन करना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता है। हर लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, ऐसा नहीं होता है मसीही जीवन में। ऐसा नहीं होता है मसीही जीवन में। यदि हमको परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्ट, निवेश करना होगा।
तो इसलिए आपको यदि लगे कि डायरी में लिखे, अरे बाप रे उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, नंबर वन बहुत टाइम नहीं लगेगा, नंबर दो प्रभु के वचन को पढ़ने मनन करने और प्रभु से जो प्रकाश मिलता है उसको नोट डाउन करने के लिए थोड़ा बहुत तो समय देना पड़ेगा, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, और इसलिए उसको हल्के से ना लें, लापरवाही से ना लें, ठीक है। नियमित रूप से पढ़ें, एक डायरी रखें और उसमें प्रभु जो भी प्रकाश देते हैं उसको नोट करते चले जाएं, और प्रतिदिन आपने जो पढ़ा है उससे आपको जो प्रकाश मिला है दिन भर उसके बारे में मनन करते रहें। आप फिर से पूछेंगे कि आप कैसी बात करते हैं, दिन भर मनन करना ये कोई आसान बात है क्या? देखिए, हम जिन चीजों को पसंद करते हैं वो बातें तो दिन भर हमारे दिमाग में रहती हैं। जो कहानियां पढ़ते हैं वो तो कहानी को बड़े आराम से याद रखते हैं, टीवी देखते हैं वो तो बड़े आराम से उसको याद रखते हैं, सुबह किसी से मुलाकात हुई तो हमको इतना तक याद रहता है कि उसने क्या ड्रेस पहन रखा था, उसकी जेब में क्या था। बस प्रभु के वचन के बारे में ये शिकायत क्यों कि हम उसको कैसे याद रखें, जब जरूरत होती है तो वो याद रहता है। कितने ही लोग हैं जिनको घर से 10 किलोमीटर दूर जाने को बोल दिया जाए, रास्ता बता दिए, एक बार जाके उसके बाद जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। क्यों? जरूरी है। इसलिए मैं और आप जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और दिन भर मनन करने के लिए हमें यदि लगता है कि बाप रे कौन याद रखेगा, तो इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि हम उसकी जरूरत नहीं समझते। याद रखिए, मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। यदि प्रभु के वचन को जो महत्व देना चाहिए वो हम नहीं देते, उसका परिणाम हम ही भुगतेंगे। मेरी लापरवाही का जो परिणाम है वो मैं भुगतूंगा, आपकी लापरवाही का परिणाम आप भुगतेंगे। तो ये तीन बातें हो गई, नियमित रूप से पढ़ें, डायरी और कलम रखें, मनन करें। इसके साथ साथ पढ़ने का जो तरीका है उसमें एक दो बातें बताना चाहता हूं। प्रभु के वचन में कुछ हिस्से बहुत आसान है, कुछ हिस्से बहुत कठिन है। जैसे प्रभु यीशु की जीवनी, चारों सुसमाचार पढ़ना बहुत आसान है, भजन पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन यशाया और यर्मिया खोल लीजिए, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इस कारण साल भर में एक बार प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए हमें यह करना चाहिए कि जो कठिन भाग है और जो सरल है उनको मिक्स करें, थोड़ा सा कठिन भाग पढ़ें, थोड़ा सा सरल भाग पढ़ें, इस तरह से मिक्स करके पढ़ें। आप पूछेंगे इसके लिए कोई एडवाइस है क्या? जी हाँ, मेरा एडवाइस ये है, पुराने नियम में उत्पत्ति से लेकर एस्तर तक चरित्र है, हिस्ट्री है, उसको पढ़िए। नए नियम में शुरू की 5 पुस्तकें इतिहास है, उसको पढ़िए। उसके बाद भजन, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वजन वगैरह पढ़िए। उसके बाद जो भविष्यवाणी है उनको पढ़िए, एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि उत्पत्ति से 2 अध्याय पढ़िए, फिर भजन से 1 अध्याय पढ़िए, इस तरह से मिक्स करके आगे बढ़े तो वो कठिनाई जो आप कह रहे हैं वो कठिनाई दूर हो जाएगी। आप कहेंगे अच्छा ये बात तो समझ में आई, लेकिन एक बात बताइए कि प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो उनमें जो बातें समझ में नहीं आती उसका क्या करें? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमारे इलाके में मिश्री मावा डाल के हलवा बनाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन पहली बार जो आदमी मिश्री मावा मिलाया हुआ हलवा खाता है वो जब मिश्री के टुकड़े जब उसके दांतों के बीच में आ जाते हैं तो उसकी हालत खराब हो जाती है। हम हमेशा इस तरह के लोगों को जब खिलवाते हैं तब कहते हैं भैया मिश्री के टुकड़े चबाने में तुमको तकलीफ होगी,
इसलिए एक काम करना कि जब हलवा खा रहे हो तो मिश्री का टुकड़ा दांतों के बीच में आ जाए तो उसको हाथ से निकाल के अलग रख देना, तुम तो सिर्फ हलवा और मावा खाओ। लेकिन वही व्यक्ति जब चार बार हलवा खा लेता है तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि मिश्री जो है उसको धीरे धीरे चबा के तोड़ा जा सकता है, खाया जा सकता है, तब वो हलवा का सही आनंद लेता है। इसी तरह से जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो उसमें जो कठिन भाग आते हैं थोड़े से समय के लिए अलग हटा कर रख दीजिए, बाकी भागों को पढ़िए। धीरे 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 जब प्रैक्टिस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, प्रभु के वचन को आप पहचानने लगेंगे, तब शुरू शुरू में जो भाग आपको कठिन लगे थे आपको लगने लगेगा कि हाँ अब तो ये बात मेरी समझ में आ रही है। अगला प्रश्न ये है, कुछ लोग पूछते हैं कि हाँ हाँ ये तो सब ठीक है लेकिन जब मैं प्रभु का वचन पढ़ने की कोशिश करता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि उन टीचर्स की बात आती है जो प्रभु के वचन को गलत सलत पढ़ाते हैं। कोई इस तरह से पढ़ा रहा है, कोई इस तरह से पढ़ा रहा है, कोई इस तरह से पढ़ा रहा है, मुझे बड़ी परेशानी होती है। ऐसा है, हमको जो चाहिए वो हम करते हैं और जो नहीं चाहिए उसमें बहाना बनाते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक आदमी एक बढ़िया सा खेतों के लिए हृष्ट पुष्ट बैल खरीद के जा रहा था। चार ठगों ने ये देखा तो उनको लगा कि इस आदमी इसको ठग लेना चाहिए, तो चार अलग अलग जगह पे खड़े हो गए। पहले ने पूछा कि अरे ये बकरी लेके कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा बकरी दिखाई देती, ये तो अच्छा खासा बैल है। नहीं 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 ये तो बकरी है। कुछ आगे गया तो एक ने पूछा अरे ये कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो, उसने कहा तुमको कुत्ता नजर आ रहा है कि ये तो बैल है। नहीं नहीं ये तो कुत्ता ही नजर आ रहा है। और आगे गया तो एक और मिला, उसने पूछा अरे ये मुर्गी कहाँ ले जा रहे हो, उसने कहा अरे तुमको मुर्गी नजर आती है क्या, ये तो बैल है। नहीं उसने कहा कि हमको तो मुर्गी दिखाई दे रही है। और आगे गया तो चौथे वाले ने देखा तो अरे भैया ये तुम इसको क्या ले जा रहे हो, ये तो बहुत गड़बड़ जानवर है, कहके वो भाग लिया। वो मूर्ख जो बैल को खरीद के जा रहा था उसको लगा कि भाई एक को कुत्ता दिख रहा है, एक को बिल्ली दिखाई दे रही है, एक को मुर्गी दिखाई दे रही है, और एक तो डर के मारे भाग गया, ये तो जानवर मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। उसने वहां उसको एक पेड़ पे बांध दिया और वो भाग लिया। ठगों को मालूम था कि वो भाग जाएगा, पीछे आके वो खोल के उस बैल को ले गए। जो लोग पवित्र बाइबल को गलत सलत सिखाते हैं वे वह आत्मिक ठग हैं जो आपके आत्मिक जीवन को और आपकी आत्मिक संपत्ति को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन इस भले मानुष ने उन ठगों की बात सुनने के बदले जाकर उस बैल के कान को पकड़ के, उसके सीन को पकड़ के यदि देखा होता कि ये कौन जानवर है तो उसको अच्छी तरह से ये बात पता चल जाती कि ये तो बैल ही है। इसी तरह से जब दूसरे लोग गलत सलत शिक्षा देते हैं, आप कहे को उनकी बात सुन रहे हैं, आप प्रभु के वचन को पढ़िए, बार बार पढ़िए और आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि प्रभु का वचन किस विषय पर क्या बोल रहा है। कोई यदि 500 के नोट को 5000 का नोट बनाए बताएगा आप मानेंगे क्या? 10 लोग बोले कि ये तो 500 का नोट है, आप मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि हमने उस नोट को देखा है, परखा है, उसका अध्ययन किया है, इस कारण हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। अंत में प्रभु के वचन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा तिमोथी 3:15, दूसरा तिमोथियुस 3:15 कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए।
प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, एक समय ऐसा आएगा जब हम प्रभु के सामने खड़े होकर अपना हिसाब देंगे। उस समय के बारे में प्रभु का वचन कहता है, अपने आप को ऐसा कार्य करने वाला बनाओ जो प्रभु के सामने लज्जित ना होने पाए, उस दास के समान ना हो जिसने कह दिया, प्रभु आपने जो दिया था ये लीजिए, वापस ले लीजिए। प्रभु ने उसको सजा दी। यही मेरे आपके आत्मिक जीवन की बात है कि हम अपने आप का जीवन इस तरह से नियंत्रित करें कि लज्जित ना होने पाए। उसके लिए प्रभु का वचन ही कहता है, लज्जित ना होने पाए जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मुझे और आपको कल यदि प्रभु के सामने जब हम खड़े होंगे तब लज्जित नहीं होना है तो जरूरी है कि सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाएं। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए क्या करना होगा? सत्य के वचन से परिचित होना होगा। सत्य के वचन से परिचित होना है तो सत्य के वचन का नियमित रूप से उपयोग करना पड़ेगा, तभी तो उस वचन से परिचित हो पाएंगे। आज शाम को क्लोजिंग में मैं इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि हम कल प्रभु के सामने जब खड़े होंगे तब लज्जित नहीं होना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि प्रभु के वचन का नियमित अध्ययन करें। फास्ट, मैं फिर से बता दूं, बाइबल क्या है? प्रभु का वचन है। बाइबल क्यों पढ़ें? इसलिए कि 10,000 कमरों का ये जो भूल भुलैया हमारा जीवन है उसमें हम सही दिशा में जा सके। बाइबल का कितना हिस्सा पढ़ें? ये संपूर्ण हमारे पाठ के लिए प्रभु ने बनाए हैं, इसको कंप्लीट पढ़ें। कब पढ़ें? जहां तक हो सके प्रतिदिन आरंभ करने से पहले पढ़ें। क्या इतना भारी ग्रंथ कोई पढ़ सकता है? क्यों नहीं पढ़ सकता? दिन में 3 अध्याय, संडे के दिन 5 अध्याय पढ़े, आराम से 1 साल में आप पढ़ लेंगे। इसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नियमित रूप से पढ़ें, एक डायरी रखें, प्रभु आपको जो प्रकाश देते हैं उसको नोट करते चले जाएं, उस पर मनन करें। कठिन और सरल पोर्शंस का मिक्सचर लेकर पढ़ें। जो समझ में नहीं आता थोड़े से क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए अलग रख दीजिए, कल को आप समझ जाएंगे। हाँ, जो गलत शिक्षाएं देते हैं उनकी, जो गलत शिक्षाएं उसमें ना फंसने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि हम बाइबल से अच्छी तरह से परिचित हो जाएं। फाइनली मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु के सामने शर्मिंदा ना होना हो। इस तरह का यदि दास या सेवक हमें बनना है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को सही रीति से काम में लाए, और सही रीति से तभी हम काम में ला सकेंगे जब हम नियमित रूप से इसका अध्ययन करेंगे। इन बातों को समझने के लिए और अपने जीवन को इसके अनुसार ऑर्डर करने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।